ये देखो गाइस, हमें बादामवाड़ी में क्या मिला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अदनान शोराव व्लॉग्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो अभी मैं उठाऊं कुछ ही देर पहले, तो अभी बजे है 11, तो रमजान भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चल रहा है। तो फिलहाल मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं बना रहा था, बिकॉज जो है हमारे पिछले एक हफ्ते से 3 बार जो हमारा ट्रांसफार्मर फट चुका है। तो अभी फिलहाल और एक ट्रांसफार्मर लिया है वापस, तो अभी और एक आने वाला है। पता नहीं क्या मसला है ट्रांसफार्मर का भी इस बार, और रमजान में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो फोन चार्ज नहीं हो पाता था तो व्लॉग कैसे बनाता था। अब मैंने एक पावर बैंक लिया है तो उससे मैं फोन चार्ज कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा फोन चार्ज हो गया, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाते हैं आज अच्छे सा। तो प्लान कुछ ऐसा है, अभी हमारे घर के पास एक एरिया है, छोटा सा भी नहीं, एक अच्छा सा एरिया है, जहाँ पर जो अभी स्प्रिंग चल रहा है वहाँ पर मस्टर्ड के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वो सारे उसका एक वीडियो बनाना है। तो वहीं चलेंगे, अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे, और मैंने नवीद से भी बोला था कुछ जाएंगे कहीं, तो अभी देखते हैं उसके साथ भी अगर प्लान बना तो वो भी हम जाएंगे। तो फिलहाल हम जाएंगे अपने घर के नज़दीकी एक बाग है, वहाँ चलते हैं। भाई बोल रहा था कुछ वहाँ पे है ये प्लांट्स, तो चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी घर पे है नहीं कोई, तो मम्मा गई है डॉक्टर के पास, तो वो आएगी, उसके बाद हम जाएंगे वहीं पे। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं उसके बाद, मतलब थोड़ी देर बाद आपको। तो मम्मा भी वापस आ गई है, तो अभी फिलहाल बजे है 12, एग्जैक्टली 1 घंटे बाद ये वाला फ्रेम शूट हो रहा है। तो अभी हम जाएंगे उसी फील्ड में जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, देखते हैं कैसा है फील्ड, तो चलते हैं। ठीक है, बहुत नज़दीक में ही है, तो देखते हैं कितना दूर है वो। गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर फील्ड के पास, तो मैंने यहाँ पर पार्क कर लिया है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये पूरा फील्ड यहाँ पर, और छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा फील्ड है। तो अभी चलते हैं हम, ये है कुछ दूर से इसका व्यू, तो थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं अपना भी कुछ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। तो फिलहाल हम देखते हैं फील्ड अंदर चल, तो ठीक है, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये सारा फील्ड, और ऐसे कंटेंट के लिए जो है सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज ये सब जो एक्सपीरियंसेस मैं खुद करता हूँ वो आप लोगों को भी दिखाता रहता हूँ। तो अब इसके बाद हम एक और जगह जाने वाला है, मैं नवीद के साथ एक और जगह जाने वाला हूँ, तो वो भी सस्पेंस रखते हैं अभी फ़िलहाल। तो देखिए, ये है कुछ फील्ड, इसके नज़दीक मैं पहुँच गया हूँ। लुक एट दिस ब्यूटी, स्प्रिंग, कितना अच्छा लगता है स्प्रिंग, है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये फील्ड। तो क्या एक्सप्लेन करूँ मैं अब इस वीडियो में जो मैं खुद देख रहा हूँ, लुक एट दिस गाइस। तो अभी हम अपना जो हथियार निकाल रहे हैं, बिकॉज मौसम भी आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये है हमारा मोनोपॉड, तो ये है गिम्बल, तो इसको यूज़ करके हम कुछ अच्छे से शॉट्स यहाँ पर लेंगे। तो आप वीडियो में तब तक सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए। لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى गाइस,
गाइज तो उठा लिए यहाँ पर वीडियोज भी अच्छे से, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा थक गए और रमजान भी है। तो आपके लिए देखिए पड़ रहा है जो कंटेंट मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो ये है कुछ यहाँ का रास्ता, वहाँ पे है मेरी बाइक वो जो गाड़ी के साथ। तो देखिए कहाँ से आना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है बिकॉज आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है बिकॉज 1K भी हमें जल्दी कंप्लीट करने हैं। सो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस तो पहुँच गए हम घर। तो ये है कुछ कपड़ों की हालत मेरी, तो पूरे जो है मस्टर्ड के फ्लावर्स लगे। आज मम्मा मुझे मारने वाली है सीधे इली कैप। तो फिलहाल चलते हम अंदर, नमाज का भी टाइम हो गया तो नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोगों से मिलता हूँ। तो मैं डायरेक्टली आ गया नवीद के घर, मुझे जाना था चाचू के घर, बट मैं इधर ही आया। मैंने इसको कॉल किया, इसने बोला कि ठीक है जाते हैं कहीं। तो जाना था टूलिप गार्डन, मगर अभी थोड़ा सा लेट हो गया, 3 बज गए। तो हमने सोचा कि पहले जाते हैं आज बादमवारी, तो वहाँ पे पिछली बार उतना ज़्यादा फ्लावर्स नहीं निकले थे, आज में भी अच्छा सा ब्लूम होगा तो वहाँ अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। पिछली बार थोड़ा सा सिनेमेटोग्राफी ज़्यादा थी, आज थोड़ा फन करेंगे। तो निकलते हैं हम, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ नवीद का, वो भी आएगा तो फिर हम निकलेंगे। जी गाइस तो नवीद आ गया, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बादमवारी के लिए। नवीद कैसा फील कर रहा? नवीद बहुत ज़्यादा बीमार था परसों से, तो अभी भी बीमार है, बट फिलहाल इसका मूड अच्छा नहीं है, तो इसके मूड को ऐसे ही रहने देते हैं। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं हम बादमवारी। गाइस तो पहुँच गए हम बादमवारी, अभी हम लेंगे अंदर से टिकट। तो यहाँ आज कोई नहीं दिख रहा है, तो मज़ा है ना, आज यहाँ पर कोई नहीं है, मोस्ट थोड़े थोड़े से टूरिस्ट हैं कुछ टूर में। तो अभी हम अंदर चलते हैं, लेते हैं टिकट, ठीक है। ओ यहाँ पर तो कोई नहीं है, पार्किंग दिखा, पार्किंग ये देखिए पूरी बात जो आज खाली है। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पर सारा भरा हुआ था बिकॉज स्प्रिंग फेस्टिवल था। गाइस तो टिकट हमने दो ले ली है, 48 रुपीज़ 50 रुपीज़ की मिल गई है, दो तो कटने लगी है। जी गाइज तो पहुंच गए हम अंदर बादमवारी के, टिकट्स हमने ले ली 50 रुपीज़ में, हमें दो लोगों को टिकट मिली। तो यहाँ पर आज कोई भी नहीं है, कोई मतलब मिनिमल यहाँ पर लोग आज आए हैं, वो भी टूरिस्ट है। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पर सारे लोकल्स थे, इसलिए मैंने इसको एक अंडररेटेड प्लेस पिछली बार बोला था, मैंने टाइटल भी रखा था अंडररेटेड प्लेस बिकॉज यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते थे, बट आज आए हैं। तो फिलहाल हम करते हैं एक्सप्लोर इसको, आज देखते हैं आज कितने जो है आज फ्लावर्स निकले हैं। नवीद कितने टाइम बाद आया तो यहाँ पर आज बादमवारी? जब 10 साल का था तब आया। सीरियसली 10 साल का जब नवीद था तब आया बादमवारी? और बादमवारी इसके घर से नजदीक कुछ 6 किलोमीटर है कि 7 किलोमीटर, 6 भी कहाँ है, 5 किलोमीटर। और अभी ये 10 साल बाद आया है, देख सकते हो अब लोकल्स क्या करते हैं एक्सप्लोर प्लेसेस को। ये तो सीधी सी बात है, बाहर भी ऐसा ही होता रहता है। तो अभी देखते हैं हम कुछ फ्लावर्स निकले हैं कि नहीं, और चलते हैं अंदर, ठीक है। ये है कुछ, ओ यहाँ पर देखिए गाइस, देखिए पेटल फॉल हो चुका है यहाँ पर, यहाँ पर सारा जो है फ्लावर जो है ख़त्म हो गए हैं। मुझे लगा था यहाँ पर जो है पिछली बार बहुत कम फ्लावर्स थे, इस बार जो है होंगे फ्लावर्स, बट नहीं है, सारे जो फ्लावर्स है वो गिर चुके हैं। फिलहाल हम करते हैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर, देखते हैं कुछ नई चीज़ें, तो वो भी आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। जो पूरा गार्डन है कितने जो है 300 किलोमीटर्स में मैं हिसाब कर रहा था, तो ये है 300 कनाल्स का जो पूरा बादमवारी का बाग है, 300 कनाल्स का है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में बता सकते हो? यहाँ पे एक बहुत बड़ा डॉम है जिसको अफगान रूलर के नाम से भी जाना जाता है, वरिस खान। तो हम आपको वही दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं दिखाते हैं। एक छोटा सा भी नहीं बड़ा टॉम है, तो एक कुआं टाइप है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, पिछली बार तो ये सब चीज़ें नहीं दिखाई थी, आज हम आपको ये दिखाते हैं बिकॉज पिछली बार हम ज़्यादातर जो है वीडियोग्राफी में लगे हुए थे, आज कुछ इंटरेस्टिंग जो है बातें जो इस गार्डन के बारे में वो बताएंगे, तो चलिए दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर और एक आज मसला हो गया है, बात अर्ली ब्लूम हो गया है यहाँ पर, मतलब सॉरी अर्ली फॉल हो गया है। तो यहाँ पर जो पेटल्स है जब जिस टाइम पे गिरते हैं उससे पहले ही आज गिरे हैं, तो ये कुछ यहाँ का आज हिसाब है। तो फिलहाल चलते हैं हम, असल में जो मौसम का ग्लोबल वार्मिंग की चेंजेस है वो यहाँ पर भी आ रही है, तो फिलहाल हम चलते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ वो अफगानी डॉम जिसके बारे में जो है नवीद बोल रहा था, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये बहुत ज़्यादा जो है डेप्थ में है, नीचे बहुत ही ज़्यादा इसकी डेप्थ है। इसमें शायद मैंने सुना है ना
वो जब कोई कैदी होता था, क्रिमिनल होता था, वो उसको उसी में डाल देता था। ऐसी है इसकी कुछ हिस्ट्री। ऐसा ही एक डॉम अकबर के जमाने में भी हुआ करता था। नवीद को बहुत ज्यादा हिस्ट्री के बारे में पता है। हाँ, ये वही डॉम है जो अकबर को। ये है वो डॉम। और ये देखिए यहाँ पर जो है लोग आते हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पर। और ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना बड़ा है ये पूरा, कितना नीचे तक है ये। और ये देखिए, ये है यहाँ की डेवलपमेंट। ये देखिए अंदर से क्या इसका हाल हो गया है, ये ठीक नहीं किया गया है। और ये देखिए लोग कितना ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर डाल रहे हैं। तो मैं व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ अपने वीडियो के थ्रू, यहाँ पर ये सब कूड़ा मत डालिए, बिकॉज ये जो है यहाँ पर टूरिस्ट की जो प्लेसेस होती है ये साफ रहनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर नवीन जो है भलाई करने गए थे, आजकल भलाई का सवाल ही ले है। ये देखो जो है पानी बचा रहे थे, यहाँ पर पानी बंद कर रहे हैं। और नवीद को देखिए क्या हो गया मुंह को, भलाई का सामान ही नहीं रहा। तो अभी हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग जो मिलेगा यहाँ पर, वही हम दिखाएंगे आज आपको। ठीक है, यहाँ पे हमें नवीद की एक मेमोरी मिली है। नवीद जो है कुछ टाइम जब 10 साल पहले यहाँ आए थे तो यहाँ से गिरने वाले थे, तो बट दुख की बात यह है कि जिन्होंने इनको बचाया वो आज है नहीं यहाँ पर, तो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये हम दिखाने वाले थे, यहाँ से जो है नवीद गिरने वाले थे। आज तो इसको फिर भी बंद किया है, बट उस टाइम पे खुला रहता था सारा, तो यहाँ पर गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता था। और ये देखिए हमें फिशिंग पॉइंट जो मिला है यहाँ पर, यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं लोग सामने। ये देखिए यहाँ पर लोग जो है फिशिंग करने आते हैं, यहाँ हमें मिला है यहाँ से। एक्चुअली ये जो पता है ये कहाँ कहाँ का एरिया, ये जो बागवानपुर है ना, ये उसी के साथ जो है ज्वाइन होता है ये सारा एरिया। यहाँ से आए थे बालमवाड़ी के बैक साइड से, तो हमें यहाँ से देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए कितना कूड़ा डाला गया है। अब जिसने भी डाला है, कश्मीरी है, बाहर के टूरिस्ट है, बट आई थिंक टूरिस्ट प्लेसेस पे ये सब करना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज बिन्स दिए जाते हैं उनमें आप डाल सकते हो ये सब चीज़ें, यहाँ पर डालना अच्छी बात नहीं। और पीछे देखिए हमारे फ्रेंड्स भी है हमारे जो बेचारे पीछे से देखिए, हम बड़ी ईद की कुर्बानी, बड़ी ईद भी आने वाली है, तो इनमें से हम किसी को उठाएंगे। नवीद क्या बोलता है? क्या बोलता है, उठाए इसको? मेरा बैग बंद होने वाला था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग बादमवाड़ी में क्या करने आते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, तो थोड़े थोड़े शॉट्स दिखाऊंगा बस सभी लोगों के, यहाँ पर क्या कर रहे हैं गार्डन में। ठीक है, तो ये वाले लोग हैं ना, ये यहाँ पर फ़ोन पर बात करने के लिए आते हैं ना, ये वाले जो हमारे साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर फ़ोन पर बादमवाड़ी हम घूमने आए हैं, और ये यहाँ पर भाई साहब फ़ोन पर लगे हुए हैं। तो ये तो हो गया एक, अभी दिखाते हैं और। ये कुछ और लोग हैं जो यहाँ पर सोने आते हैं। ये देखो गाइस, हमें बादमवाड़ी में क्या मिला, क्या है ये, क्या था? मैं बस ये वाटर मेलन टोपी मिल गई, लकड मिलिट्री वेल्स स्टोरी बासा। जी गाइज, तो हमने बादमवाड़ी अच्छे से घूम लिया, तो यहाँ पर अभी कुछ खास मज़ा नहीं है, बिकॉज लोग भी बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पर जो है पेटल जो है फॉल हो गया है, तो सारे जो फ्लावर्स है वो गिर गए। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, तो पहुँचते हैं हम घर, फिर उसके बाद देखते हैं, जिम भी जाना है अभी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना नया जिम जो मैंने कल ही ज्वाइन किया, तो चलते हैं। ठीक है, तो पहुँचते हैं हम घर, ठीक है, बाय बाय। सीधे सर्च कर दीजिएगा, आर ए सर्च, यही है पहला। देखिए पिछली बार भी हम आए थे यहाँ पर, यहाँ का एक ब्लॉग बनाया मैंने। तो मैं पहुंच गया घर, तो अभी मैं नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा जिम। ठीक है, अभी हो गया टाइम जिम जाने का, बिकॉज जल्दी आना है वापस, इफ्तार भी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना जो है नया जिम कैसा है मेरा, तो जो मैंने कल ही ज्वाइन किया, तो चलते हैं। ठीक है, तो
दोस्तों जिम से आने के बाद मैं आ गया था घर, तो मैंने कर ली थी इफ्तारी, तो अभी मैं चढ़ा अपने रूम में। तो फिलहाल आया टाइम 10:30, तो इस वीडियो को भी एडिट करना है, तो अब इस वीडियो को करेंगे एंड। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करने से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट कंटेंट बनाने के लिए, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बोले कैसा लगा ये वीडियो। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।